हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। और भाई हो भी क्यों ना, इस फिल्म में दो बड़े सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं, अक्षय कुमार और रजनीकांत। वही अब हर किसी की नजरें हैं इस फिल्म के टीजर पर। फिल्म का टीजर गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि कल रिलीज होने वाला है। रोबोट के इस सीक्वल की चर्चा काफी लंबे टाइम से हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट कई बार अनाउंस की गई और उसके बाद फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। फिल्म के VFX के काम में देरी की वजह से फिल्म काफी लंबे टाइम से लटकी रही। सोर्सेज के मुताबिक इस फिल्म के VFX का काम एक अमेरिकी डिजिटल कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी इससे पहले अपना काम पूरा कर पाती, उसकी माली हालत खराब हो गई और कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इस कारण 2.0 के निर्माता को 3D और बाकी इफेक्ट्स का काम फिर से करवाना पड़ा। वही फिल्म का बजट पहले जहां 400 करोड़ बताया गया था, और वहीं अब अक्षय कुमार ने एक पोस्ट से सभी को हैरान कर दिया है। हाल ही में अक्षय ने फिल्म से अपना पोस्टर शेयर किया और जानकारी दी कि फिल्म 2.0 के VFX पर ही $75 मिलियन यानी करीब 544 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अपने बजट के कारण फिल्म 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। बता दें कि 2.0 को तैयार करने में करीब 3000 टेक्नीशियंस ने दिन रात मेहनत की है। खास बात यह है कि फिल्म को 3D के लेटेस्ट कैमरों से शूट किया गया है। तो कोई शक नहीं कि इस फिल्म को देखना ऑडियंस के लिए एक धमाकेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।